सब्सक्राइब करिए टेकिया सर यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्यूएनए के एपिसोड नंबर 36 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, प्रीवियस क्यूएनए वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो उनमें से मैंने कुछ पिक करके आज की वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूँ। बट अगर आपको नेक्स्ट क्यूएनए वीडियो में पार्टिसिपेट करना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मतलब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में #askty लगा के पूछ सकते हो। आई होप कि आप सारों का रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये पूछते हैं दिनेश पाठक, ये बोलते हैं मुझे 3 साल फोन चलाना है, तो क्या मैं Realme 2 Pro का 4GB वाला वेरिएंट ले लूं, कौन सा लूं बताना प्लीज प्लीज प्लीज, और कंफ्यूज मत करना। ये है Realme 2 Pro 4GB वाला वेरिएंट, तीन साल के लिए आराम से आप चला सकते हो। भाई डिपेंड करते हैं आपका यूजेज कैसे, अगर आप बहुत ज़्यादा गिरा रहे हो, बहुत ज़्यादा रफली यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। बट अगर आप आराम से अच्छा केस लगा के, अच्छे टेम्पर्ड ग्लास के साथ में अच्छे सलीके से यूज़ करते हो ना, तो डेफिनेटली 3 साल आपका ये फ़ोन भी चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की फ़ोन ही छूट रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये पूछते हैं शिवानी अरोड़ा, ये बोलते हैं भाई मेरा बजट है 25,000 एंड कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, Redmi Note 5 Pro, Realme 2 Pro, Poco F1, Vivo V9 Pro, Vivo V11 Pro, Samsung A7 या Honor 8X, कोई कंडीशन मत रखना, सीधा एग्जैक्ट डिवाइस के बारे में बताना। सीधा सीधा बोलूँ 21,000 में Poco F1 का बेस वेरिएंट ले लो, 21,000 में किलर डिवाइस है, सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नील रावल बोलते हैं Realme 2 Pro में इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या। देखो ये डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर 3 दिन से, मैं इसे 4G पे भी यूज़ कर रहा हूँ, 3G पे भी यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसे वाईफाई पे भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसी इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे कि हर फ़ोन चलता है उसी की तरह यहाँ पर ये फ़ोन भी चलता है, तो भाई ऐसी अफवाह जो भी फैला रहा है भाई उसकी बात में मत आना। Realme 2 Pro में कोई भी आपको इंटरनेट का कनेक्शन स्पीड देख, मतलब इंटरनेट बराबर से चलता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये अभिनव सागर बोलते हैं 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी Realme 2 Pro और Poco F1। डेफिनेटली दोनों का जो बेस वेरिएंट है, Realme 2 Pro हो या Poco F1 हो, दोनों का बेस वेरिएंट प्योर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। और ये पूछ रहे कि भाई डिस्काउंट मिलने के बाद Poco F1 बढ़िया है या Zenfone 5G। देखो दोनों ही है, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, आप बिना केस के फ़ोन यूज़ करते हो, तो मैं बोलूँगा Zenfone 5Z के साथ में जाओ। बट अगर आपको पैसे बचाना है और बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, तो Poco F1 के लिए जा सकते हो, दोनों ही फ़ोन अपनी जगह पे बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अर्जुन बल्मिकी बोलते हैं भाई Realme 2 Pro ले लूँ या Honor 8X और Lenovo के लिए रुकूँ। देखो डिस्काउंट का भी लास्ट दिन है, अगर आप डिस्काउंट पे HDFC का कार्ड लगा के ले लेते हो, तो मैं बोलूँगा अभी से परचेस कर लो। बाकी अगर आप डिस्काउंट पे नहीं ले रहे हो, पूरा पूरा पैसे भर के ले रहे हो, तो मैं बोलूँगा यार रुक जाओ, 2-3 दिन में यहाँ पर लॉन्च होने वाला है Lenovo और Realme का डिवाइस, Lenovo और Honor का डिवाइस, तो वहाँ पर वेट कर लो, वो भी फ़ोन देख लो, फिर अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं उदय श्रीवास्तवा, ये बोलते हैं भाई Realme 2 Pro में Snapdragon 663 है पर 2.2 GHz पे, फिर उससे 2 GHz पर क्यों किया है भाई, कम करने से परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है या नहीं प्लीज़ बताइएगा। देखो यहाँ पर ये Realme 2 में हाँ क्लॉक स्पीड थोड़ी कम कर दी गई है Snapdragon 660 से, बट आपको रियल लाइफ में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट क्लॉक स्पीड कम करे तो यहाँ पर जो हीटिंग इश्यूज़ होती है Snapdragon 660 में, आपने बहुत बार सुने होंगे, वो चीज़ आपको ये फ़ोन में देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से जो भी करे अच्छा काम करे, यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी इश्यू देखने को नहीं मिलती, तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अनिकेत नवाले बोलते हैं Oppo F9 गेमिंग के लिए अच्छा है क्या। डेफिनेटली यार अच्छा है, नो डाउट, आप सारे गेम उसमें खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अजय सिंह राठौड़ बोलते हैं 6GB वाला रैम DDR4 मिलता है Realme 2 Pro में, यार आप 4GB रैम वाला लो, 6GB रैम वाला लो या 8GB रैम वाला लो, आपको सारे में DDR4X का रैम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चंदन साहब बोलते हैं Asus Zenfone Max Pro M1 6GB अब 2000 सस्ते में मिल रहा है, तो कौन सा लूँ, Asus Zenfone Max Pro या Realme 2 Pro। सीधा सीधा बोलूँगा अगर आप कैमरे से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, तो मैं बोलूँगा Asus का आपको 13,000 में एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है 6GB वाला वेरियंट। बट अगर आपका कैमरा भी हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ में साथ है, तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर पैकेज देखा जाए तो मुझे Realme 2 Pro स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू Zenfone Max Pro M1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर माही तो सरंगी बोलते हैं और भाई कौन सा कलर अच्छा रहेगा, मैं बोलूँगा यार ये कलर मेरा फेवरेट है, बाकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, बहुत सारे लोगों को लेक आइस पसंद है, बहुत सारे लोगों को ब्लैक वाला पसंद है, बट पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो शाइन कितना ज़बरदस्त आता है, तो ओशियन ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अहमद हाशमी बोलते हैं, लाइव स्टेशन मतलब लाइव में आकर क्यों नहीं बात करते हो, पहले तो करते थे अब क्या हो गया, कुछ परेशानी है तो बोलो। भाई कोई भी परेशानी नहीं है, वीडियो में मतलब ज़्यादा टाइम चले जा रहा है तो लाइव आने का मौका नहीं मिल रहा है। आई होप कि यहाँ पर मैं जल्दी से लाइव आ पाऊँ और आप लोगों से डायरेक्टली बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लव क्रिएशन बोलते हैं, भाई भाभी के साथ कोलैब करो। भाई शादी हो जाने दो, डेफिनेटली कोलैब करेंगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल इंडिया SKP पूछते हैं, भाई आप कौन से वीडियो एडिटर यूज़ करते हो। भाई मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे सारे जो कि आपने प्रीवियस वीक में पूछे थे। भाई कुछ इंटरेस्टिंग पूछो तो यहाँ पर रिप्लाई करने भी मज़ा आता है और थोड़ा फनी टाइप का Q&A वीडियो बन जाता है। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपेट करना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में #AskDeva लगा के दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी मोबाइल का या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में #AskDeva लगाना मत भूलना। सारे क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूंगा। और यार वीडियो कैसी लगी मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।